राजस्थान के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट। राजस्थान में 9 और 10 को अति भारी बारिश, 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने राजस्थान में जारी किया है येलो अलर्ट। राजस्थान में मानसून की सक्रियता आज फिर यहां पर बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव का क्षेत्र का असर कुछ घंटों के भीतर पूर्वी राजस्थान में आज दिखाई दे सकता है। इसे देखते हुए मौसम विभाग राजस्थान ने यहां पर मौसम विभाग जयपुर ने यहां पर 9 और 10 को यहां पर अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा यहां पर 11 सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। वही मौसम विभाग के निदेशक आर ए शर्मा ने बताया है कि इस दौरान राजस्थान के कुछ जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज होगी। इधर पश्चिमी राजस्थान के पाली और नागौर में भी यहाँ पर 9 तारीख से लगाकर 11 तारीख तक यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वही मौसम विभाग जयपुर केंद्र के अनुसार आज यहाँ पर प्रतापगढ़ डूंगरपुर जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वही कुछ इलाकों में तेज बारिश के भी आसार है। वही जबकि पश्चिमी राजस्थान के लिए कोई भी अलर्ट यहां पर आज जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि इस दौरान राजसमंद और सिरोही और झालावाड़ के कुछ इलाकों में और चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी बारिश यहाँ पर होने के आसार है। वही 9 सितंबर की बात करें तो 9 सितंबर को यहां पर उदयपुर और डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में कहीं कहीं अति भारी बारिश होगी। इसके अलावा कोटा बारा झालावाड़ और भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ और राजसमंद सिरोही जिले में भारी बारिश के आसार यहां पर जताए गए हैं 9 तारीख को यानी कल। जबकि पश्चिम राजस्थान में भी नागौर और पाली जिलों में भी यहां पर कल बारिश के आसार है। वही मौसम विभाग की ओर से नागौर और यहां पर पाली जिले में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वही मौसम विभाग के अनुसार 10 सितंबर को उदयपुर चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में कहीं कहीं अति भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बूंदी कोटा बारा झालावाड़ भीलवाड़ा प्रतापगढ़ सिरोही में भारी बारिश होगी। इस उधर राजस्थान में यहां पर पाली और जालौर जिले में मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वही 11 सितंबर को अलवर भरतपुर धौलपुर और दौसा करौली सवाईमाधोपुर भीलवाड़ा और राजसमंद के यहाँ पर इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। इसके अलावा सिरोही जिले में भी 11 तारीख को अच्छी बारिश के आसार जताए गए हैं। जबकि जालौर और पाली में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वही 12 और 13 को यहाँ पर राजस्थान में मानसून की बारिश होगी। लेकिन इस वक्त यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर यहाँ पर कोई भी अलर्ट यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। वहीं राजस्थान के अंदर फिर से मानसून सक्रिय हो रहा है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि कई जिलों में अभी तक बारिश का इंतजार लोग कर रहे हैं। इसी इंतजार में राजस्थान के पश्चिमी जिलों में जैसलमेर और बाड़मेर में तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान की बात करें तो यहाँ पर जैसलमेर में 40 डिग्री यहाँ पर रहा है, बाड़मेर में 39.1 डिग्री बना हुआ है। दोनों जिलों का तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा चल रहा है। वह स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी राजस्थान के अलावा पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के बाकी से, इसके अलावा यहाँ पर बाकी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। जबकि दक्षिणी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, रॉयल सीमा और केरल के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा स्काईमेट वेदर ने कर्नाटक, दक्षिणी मध्य प्रदेश और पूर्वी गुजरात के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए हैं। कुछ स्थानों पर भारी बारिश तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और तमिलनाडु में भी हल्की बारिश की संभावना स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट में यहाँ पर जताई गई है। यानी इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, इससे लोगों को यहाँ पर राहत मिल सकती है। वही प्रदेश के बीकानेर शहर में कल कई हिस्सों में बूंदाबांदी के बाद उमस ने लोगों को किया परेशान। कल दोपहर में जब नागौर और चूरू में झमाझम बारिश चल रही थी तो उसके छींटे यहाँ पर बीकानेर के वो भी नसीब यहाँ पर हुए और श्रीगंगानगर रोड पर मंडी से लेकर कुछ इलाकों में बूंदाबांदी शुरू हुई और जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तक होती रही। इसी तरह पुराना शहर, गंगशहर और इसके अलावा गंगा शहर और पीनासर और गोपेश्वर बस्ती आदि इलाकों में अच्छी बारिश यहाँ पर हुई है। वही यहाँ पर करीब यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की बारिश यहाँ पर हुई है। वही पवनपुर समेत कुछ अन्य इलाकों में बूंदाबांदी कल हुई। वही दोपहर में काले घटाओं ने एक बार फिर शहर को ढक लिया। वही तेज बारिश की आस बंधी, लेकिन कुछ ही समय में आसमान फिर से साफ हो गया और धूप निकल गई। दरअसल चूरू और नागौर में कल बारिश हुई और दोनों जिलों में यहाँ पर दोनों जिले बीकानेर के पड़ोसी है। वही बादलों यहाँ पर बादल जिले से जो मतलब इन जिलों की सीमा को लाकर बीकानेर तक आ गए थे। वही दोपहर को फिर से यहाँ पर धूप निकली, जिस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल खाड़ी बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ेगी, लेकिन बीकानेर में बारिश की संभावना बहुत ही कम है। बावजूद इसके मौसम विभाग की वेबसाइट पर 9 और 10 को हल्की बारिश यहाँ पर हो सकती है। यानी मौसम विभाग की वेबसाइट ने 9 और 10 को हल्की बारिश की यहाँ पर आसार यहाँ पर बीकानेर में जताया। इस बीच दिनों रात का तापमान फिर से बढ़ने लगा है। बीती रात न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वही प्रदेश के जोधपुर में कल यहाँ पर शहर में 1.7 mm बारिश हुई। वही शहर में बारिश की अब फिर संभावना बनी है। वही मौसम की सक्रियता के चलते कम दबाव का क्षेत्र राजस्थान की तरफ बढ़ने की उम्मीद है। इससे जोधपुर में अच्छी बारिश होने की संभावना है। वही
यहाँ पर आवाजाही के बीच कल यहाँ पर जोधपुर के अंदर 1.7 mm ही बारिश से संतोष यहाँ पर करना पड़ा है। वही पश्चिमी बंगाल में कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो चुका है। ये कम दबाव का क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश के द्वारा राजस्थान की तरफ बनी यूपी देश के असर की वजह से जोधपुर शहरों में बादलों की आवाजाही विद्युत शुरू हो चुकी है। वही शहर में सुबह तेज धूप यहाँ पर निकली थी कल, जिसका असर से यहाँ पर न्यूनतम तापमान 28 डिग्री यहाँ पर पहुंच गया। वही दिन निकलने के बाद शहर में बादलों की आवाजाही बढ़ने लगी और दोपहर को करीब 3 बजे शहर में घने बादल छाने लगे। शाम को करीब 5 बजे के आसपास कुछ इलाकों में बौछारें गिरी। वही महज यहाँ पर 1.7 mm बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है जोधपुर एरिया में। वही मौसम पर आज कोटा में आज हल्की से मध्यम बारिश होगी। वही कल भारी बारिश की संभावना है। यह बारिश 2-3 दिन तक यहाँ पर कोटा में चल सकती है। हालांकि कल यहाँ पर शहर में तेज गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान किया। वही मौसम वैज्ञानिक राजस्थान ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बन चुका है। इसका असर आज देखने को मिल सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा असर पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलेगा। ज्यादातर यहाँ पर कोटा के इलाके में, यहाँ पर कोटा संभाग के इलाकों में सबसे ज्यादा यहाँ पर ये असर दिखेगा। ये मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान के पश्चिम की ओर निकलेगा। इसी वजह से कोटा और उदयपुर में आज बारिश शुरू हो सकती है। अगले 2-3 दिन तक यहाँ पर तेज बारिश होगी। इसके आसार बहुत कम होने लगेंगे, मतलब फिर इसके आसार जो बर्फ के हैं वो यहाँ पर थोड़े कम होने लगेंगे। भाई कल अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 26 के आसपास यहाँ पर कोटा में दर्ज किया गया है। प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कल यहाँ पर मौसम का मिजाज बदल गया। वहीं कुछ इलाकों में सुबह बादल छाए हुए थे और तापमान और उमस यहाँ पर बन रही थी। वहीं कल दोपहर बाद यहाँ पर अचानक मौसम बदला और कुछ इलाकों में काली घटाएं छाने लगी, जिससे तेज बारिश शुरू हो गई। इसके बाद शाम तक जिले के अलग अलग यहाँ पर प्रतापगढ़ के अलग अलग इलाकों में झमाझम बारिश तो कहीं फुहारों का दौर चलता रहा। इससे फसलों को काफी राहत मिली है। जिले में गत दिनों से तेज बारिश से उमस यहाँ पर बनी हुई थी। वहीं यहाँ पर तेज गर्मी और उमस यहाँ पर बनी हुई थी, जिससे लोगों को यहाँ पर पसीने से तरबतर लोग हो रहे थे। वही कल यहाँ पर मौसम बदला और जिले भर में रुक रुक कर खंड वृष्टि हुई। इसे सड़कों पर पानी बह निकला। वही शहर में करीब 1 घंटे तक बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। वही यहाँ पर अरनोद क्षेत्र में भी काफी अच्छी बारिश हुई। हालांकि दिन भर रुक रुक कर बारिश यहाँ पर होती रही, ऐसे में खेतों में पानी बहकर निकला। वही बारिश से फसलों को काफी फायदा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर दरियावद में यहाँ पर कल दिन भर यहाँ पर उमस और गर्मी के बीच दोपहर को यहाँ पर एकाएक मौसम में बदलाव देखने को मिला। वही तेज हवा के बीच आसमान में काली घटाई छाई और 15 से 30 मिनट यहाँ पर जमकर बारिश हुई, जिससे कई जगह जलभराव के साथ यहाँ पर सड़कों पर पानी यहाँ पर हो गया। वही तहसील क्षेत्र में मानसून बेरुखी से कम यहाँ पर बेरुखी एवं कम बरसात से क्षेत्र के किसानों एवं यहाँ पर काश्तकारों की परेशानी यहाँ पर हो गई है। जब कम बरसात के चलते इस बार खेतों में खड़ी फसलें पैदावार कमी होने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। वही अब संभाग के बड़े बांधों में सुमार 31 मीटर की भराव क्षमता वाला जाखम बांध भी मानसून की बेरुखी के चलते अभी तक यहाँ रिक्त पड़ा हुआ है। वही बांध का कुल भराव की क्षमता में 5 सितम्बर तक 21 मीटर ही यहाँ पर दर्ज की गई, जबकि पूरे यहाँ पर दरियावद क्षेत्र में जाखम बांध का पानी नहरों द्वारा रबी की फसलों के लिए सिंचाई होता है।